हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर क्लिक करके हाँ मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हेलो, वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचर एंड स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इन दिस केस कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, characteristics of the human resource management, what are the different characteristics of the human resource management, human resource management as a profession, objectives of the human resource management, what are the different objectives of the human resource management, why we will study for the human resource management, what is the need of the human resource management. We will go through the objective and the significance of the human resource management. System approach of the human resource management, what is the system approach of the human system management as a system, what the human resource management is to be considered, importance of the human resource management, kya importance hai human resource management ka, why we will go for the human resource management, human resource ko manage karne ke liye kya zaruri hai, kyun karte hain, ye hum yahan pe study karenge. Functions of the human resource management, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी विल स्टडी हियर, हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कब ये इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया, उसमें कब से कैसे कैसे जो है डेवलपमेंट हुआ, एंड नाउ ऑन व्हिच स्टेज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज देयर, यू विल स्टडी देयर Genesis and growth of the human resource management in India. India में human resource management का growth कैसे हुआ, तो impediments to the progress of the HRM, measure to speed of growth, कैसे कैसे growth हुआ उसके बारे में आपको, organizations किस कोई भी organizations है वहां पर people आपका main आपका फंक्शंस जरूर करता है, द ऑर्गेनाइजेशन एलवेज कंसिस्ट द पीपुल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का प्लेयर है टीम में ये आपको जरूरी है मैच खेलने के लिए, उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स हैं वो जरूरी है वो करने के लिए, एंड दिस इज द मेन पावर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपको मेन पावर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, एंड फ्रॉम द नेशनल व्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्यू ह्यूमन रिसोर्स इज डिफाइंड एज द नॉलेज स्किल्स क्रिएटिव एबिलिटीज टैलेंट्स एंड एप्टीट्यूड्स टैलेंट्स एंड एप्टीट्यूड ऑब्टेंड इन द पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन मतलब यही है कि नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, पीपल में क्रिएटिव एबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेशन क्रिएट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिव एबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेशन क्रिएट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उस तरह का आदमी को ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए, टैलेंट्स जिसमें हो उसको आप रखना चाहिए, एप्टीट्यूड जिसको है उसको आप रखना चाहिए, अगर आप टैलेंटेड पीपल को नहीं रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन आपका रन नहीं करेगा, है ना। तो ये आपको ह्यूमन रिसोर्स का डिफिनेशन है, यहां भी ह्यूमन रिसोर्स का जो डिफिनेशन बता रहा है वो भी यही बता रहा है कि टोटल नॉलेज स्किल्स क्रिएटिव एंड इनोवेशन एबिलिटी वो जरूरी है, एज ए इंजीनियर भी आप जहां काम करेंगे क्रिएटिव एबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज द इंजीनियर हैज टू बी टेक ओवर एज ए वर्कर, वर्कर और इंजीनियर में फर्क क्या रह जाएगा, इंजीनियर का मतलब है इनोवेशन करना चाहिए, प्रोडक्ट का इनोवेशन करो, प्रोसेस का इनोवेशन करो, ऑर्गेनाइजेशन का इनोवेशन करो, ये सारे आपको करते रहने चाहिए और अपना टैलेंट जो है हमेशा दिखाते रहना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और उनके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स में, तभी आपको आपको वहां पर आपको ज्यादा जो है वैल्यू दिया जाएगा। तो जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दी आर द
characteristics of the human resource management. These are the characteristics of the human resource management. Human resources of an organization are the product of their biological inheritance interaction with the environment. Human resource kya hai? Are the product of their biological inheritance. Wo keh raha hai gene se sambandhit aapko organization mein kis tarah ke human resources rehte hain, kis tarah ka interaction hota hai, wo aapko human resource ki characteristics hai. Human resources are heterogeneous. वो आपको हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं हो सकता. हर एक आदमी का टैलेंट आपको एक जैसा नहीं हो सकता है. हर एक आदमी का इनोवेटिव पावर एक जैसा नहीं हो सकता है. ये आपको हेट्रोजीनियस है. दे कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग यूनिक पर्सनालिटी. किसी की यूनिक पर्सनालिटी होती है, काफी अच्छा काम करने की कैपेबिलिटी होती है, डिफरेंट नीड्स होती है, उसकी एटीट्यूड अलग अलग होती है. बहुतों का एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आते के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन बदल जाता है. ऑर्गेनाइजेशन में आते के साथ ही वो ऑर्गेनाइजेशन को बदल के रख देता है. एक एक जनरल मैनेजर ऐसा आता है कि हेलो गुड मॉर्निंग सर. हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो वो ऑर्गेनाइजेशन को सर? हाँ बोलिए. मैं कह रहा हूँ सर ठीक हूँ. हाँ ठीक है. ओके सर. ओके सर कंटिन्यू करो सर. हाँ, ह्यूमन रिसोर्स जो है आपको हेट्रोजीनियस है. एक एक जनरल मैनेजर आता है, पूरा पूरा सिस्टम को सुधार देता है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, पीपल का मेन पावर जो है आपका बढ़ जाता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है, ये सारा हो जाता है एक ह्यूमन रिसोर्स का होने से. और क्या करेक्टरिस्टिक्स है? ह्यूमन रिसोर्स आर डायनेमिक. वो डायनेमिक है और बिहेव डिफरेंटली. हर एक पीपुल एक डायनेमिक नेचर का होता है. आज आया, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे. कंप्लीटली डायनेमिक है ह्यूमन रिसोर्सेस. ह्यूमंस आर द डायनेमिक. वो आप किसी को स्टेटिक आप समझ लेंगे कि काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है ह्यूमंस आर डायनेमिक एंड बिहेव डिफरेंटली. वो अलग तरीके से वो करना चाहते हैं. दे रिएक्ट टू द सेम सिचुएशन इन क्वाइट इन ए डिफरेंट वे. एक ही सिचुएशन को अलग अलग आदमी अलग तरह से अपना डील करता है और ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करता है. तो ये आपको ह्यूमन रिसोर्स का करेक्टरिस्टिक्स है. दूसरा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिडिक्ट करना बहुत ही आपको डिफिकल्ट है. ये सारे भी ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी होते हैं वो सारे डायनेमिक होते हैं और डिफरेंटली बिहेव करते हैं. तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स. ह्यूमन रिसोर्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मैं भी बार बार यही कह रहा हूं कि ह्यूमन रिसोर्सेस आपको जो है वही काम करेगा. टैलेंटेड पीपुल आप जब तक नहीं रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रोथ नहीं करेगा. आप कितना अच्छा बिल्डिंग बना के रख दें, लाल किला बना के रख दें, वो काम नहीं करेगा जब तक कि आप ह्यूमन रिसोर्सेस को फिट नहीं करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस को आगे नहीं बढ़ाते हैं. उसका मोटिवेशन क्या है, ह्यूमन को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उसको काम के वो आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगा. ये आपको ह्यूमन रिसोर्सेस का आपको फायदा है. देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्सेस आर ह्यूमन एसेट्स और ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल उनको बोला जाता है. कई जर्नल अभी निकले हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल. वो ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं. मेरे करीब 2-3 पेपर उसमें इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन कैपिटल में आपके पब्लिश हुए हुए हैं. वो ह्यूमन एसेट्स है. कोई भी आदमी है वो आपका एसेट्स है. इसीलिए कहता है कि इंडस्ट्री में आप रिलेशनशिप बेटर रखिए, वर्कर के साथ में आप रिलेशनशिप बेटर रखिए, जो मैनेजर्स है उसके साथ में ह्यूमन रिलेशनशिप बेटर रखिए, क्योंकि दे आर द ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल है वो ह्यूमन एसेट्स है. तो दी आर द करेक्टरिस्टिक्स. दूसरा, ह्यूमन रिसोर्सेस हैव ए ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू डेवलप. उसमें पोटेंशियल होता है. ह्यूमन में आपको पोटेंशियल होता है और वो ग्रो करते हैं. प्रोवाइड दैट द राइट क्लाइमेट इज प्रोवाइडेड टू देम. अगर सही क्लाइमेट दिया जाए
तो वो आदमी डेवलप करता है और वो आदमी ग्रो करता है। अगर सही क्लाइमेट आदमी को यहीं पे दिया जाए, इंडिया में दिया जाए, तो वो इंडियन भी आपको जो है नोबेल प्राइज जीत सकता है। राइट क्लाइमेट उसको प्रोवाइड कीजिए और राइट रिसोर्सेस उसको प्रोवाइड कीजिए, तो व्हाई नॉट द इंडियन पीपुल कैन विन द नोबेल प्राइज। यहाँ क्यों नहीं नोबेल प्राइज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है आपका। तो ये आपको ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल को आपको आपको बिल्कुल समझना होगा कि कौन सा आदमी क्या करना चाह रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये ह्यूमन कैपिटल का आपको ग्रोथ है। आप राइट क्लाइमेट इंडस्ट्री में प्रोवाइड कीजिए, वो डेवलप करेगा। आदमी काम करना चाहता है, कोई भी बैठा रहना नहीं चाहता है, वो आदमी काम करना चाहता है। तो ये उसको राइट क्लाइमेट आपको इंडस्ट्री में प्रोवाइड कीजिए, वो आपको इंडस्ट्री को एक नंबर का बना देगा और आपका आपका जो कंपनी है वो आपको ग्रोथ करेगा, है ना। द टर्म ह्यूमन रिसोर्सेस इज वाइडर देन द पर्सनल। पर्सनल मैनेजमेंट एक आता है, पर्सनल आपको आता है, पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फर्क है वो भी मैं यहाँ पर डील करूंगा कि पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो अटेंडेंस लेता है, वो आपका सब ये देखता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस इज द ह्यूमन कैपिटल। ये आपको ये डायनेमिक कंपोनेंट ऑफ द ऑल पीपल्स ऑफ द ऑल लेवल्स, ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। पर्सनल मींस इंप्लाई वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल का मतलब होता है इंप्लाई वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको डील करता है। तो जो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ह्यूमन रिसोर्सेज डायनेमिक कंपोनेंट है ऑफ ऑल द पीपल, जो उसको बताता है कि मोटिवेशन कैसे किया जाए, वर्क कल्चर कैसे किया जाए, इनोवेशन कैसे किया जाए, ये सारा आपको ह्यूमन रिसोर्सेस आपको इंक्लूड होता है ना। तो दी आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर हाँ बताइए। 143 अटेंडेंस। हाँ अटेंडेंस मैं अभी अभी बना देता हूँ, फिर दोबारा भी बना दूंगा मैं, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन जो है आपका अटेंडेंस में है, बता दो सर, बता दो, लगा दो पहले से, लगा दो साथ सर। हाँ शुभम सिंह 143। यस सर। अनुराग 161। अर्जुन देव 104। अतुल स्थित 106। दीपक 110, प्रांशु 112, गुरदीप 114, कुंदन कुमार 163, मुकुल 121, नितेश 123, पवन 127, रजनीश 134, योगेश 150, योगेश 167, 17 ME 146, सन्नी जी आज आए हुए हैं, सन्नी जी का वेलकम है। सन्नी जी आज आए हुए हैं, क्लास में आए हुए हैं। सर मेरी होगी अटेंडेंस अभी कर रहे हैं। गुरुराज ओबराय, हिमांशु 117, निखिल 122, शुभम 142,
शुभम सिंह 143 हो गया वो, योगेश 150, मैं आपका अटेंडेंस फिर से आपको बता देता हूँ। रजनीश हो गया, रजनीश हो गया, अंशु हो गया 112। मैं आपका अटेंडेंस फिर से आपको बता देता हूँ। योगेश 150, शुभम 142, निखिल 122, हिमांशु 117, गुरुराज ओब्राय 17, ME146, सन्नी टुडे प्रेजेंट, वेलकम टू द सन्नी, सन्नी जी भी आज आए हैं। योगेश 167, सौरभ 145, रजनीश कुशवाहा 134, पवन 127, नितेश 123, मुकुल 121, गुरदीप 114, फ्रांसु 112, फैजान हाशमी 111, दीपक 110, अतुल दीक्षित 106, अर्जुन देव 104, अनुराग 161, कुंदन कुमार जी 163, और दो और आ रहे हैं, चिंटू 109, आकाश 102। आज आ रहे हैं, ये सारे प्रेजेंट हैं। मैं आपका उस सभी का नाम बता दिया, फिर एक बार हम लास्ट में फिर से अटेंडेंस ले लेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। What are the different characteristics of the human resource management? वही हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन इज कंसर्न विद द मैनेजिंग ऑफ द पीपुल एट वर्क। आपने सही ढंग से पीपुल को मैनेज कर लिया, कंपनी आपका ग्रुप नहीं। ऑल टाइप्स ऑफ द पीपुल इसमें ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, सुपरवाइजर्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, अदर टाइप्स ऑफ द पर्सनल भी रहते हैं। ये सभी को मैनेज करना, अच्छी ढंग से मैनेज करना ही आपको ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट माना जाता है, कि सही ढंग से आप सारे पीपल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वर्कर को, सुपरवाइजर को, ऑफिसर्स को, मैनेजर को, अदर टाइप्स ऑफ द पर्सनल को, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वही मैनेजर सक्सेसफुल है जो ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जानता है, वो डील करता है और सारे पीपल को मैनेज कर सकता है। इट इज ए पीपल ओरिएंटेड, ये इंडिविजुअल पे नहीं विश्वास करता है, ये टीम वर्क पे विश्वास करता है, ग्रुप में विश्वास करता है। एक कंपनी में एक अगर आदमी ठीक है, बाकी नहीं है ठीक, तो वो काम नहीं चलेगा। ये टीम वर्क है, ग्रुप में है, ग्रुप वर्क है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बढ़िया है, जिससे कि आपका इंडस्ट्री का गोल जो भी है वो उसको फिट करे और मेट करे। एक डिपार्टमेंट में जितने भी आदमी होते हैं, डिपार्टमेंट का गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, ये सारे गोल को फुलफिल करे, जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, उसके तरफ काम करे। ये आपको पीपल ओरिएंटेड होता है। दूसरा एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक्शन उसमें जरूरी होता है, क्या प्रोसीजर है करने का, है ना। अगर सही पर्सनल गोल्स इंप्लाई अपना समझ ले कि हमारा गोल क्या है कंपनी के अंदर, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, ह्यूमन को भी प्रॉब्लम नहीं आती है, मैनेजमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं आती है, कंपनी ग्रो करते जाता है ना। तो ये आपको इंडिविजुअल ओरिएंटेड, आपको इंडिविजुअल ओरिएंटेड का मतलब है कि सभी इंप्लाई को एक अच्छा पावर देना चाहिए, उसको अच्छा फैसिलिटेट करना चाहिए, इंप्लाई सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ उसी से होता है। हर एक इंप्लाई को अच्छा फैसिलिटेट करना चाहिए, इंप्लाई सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ आपको यहीं से होता है। ये आपको दूसरा डेवलपमेंट ओरिएंटेड, आप
पीपल को हर एक तरह का काम के लिए उसको आप पोटेंशियल दे दीजिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आएगा फ्रॉम देयर वर्क एंड गिव देयर बेस्ट इफर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो एक अच्छा इफर्ट देगा ऑर्गेनाइजेशन को। डेवलपमेंट ओरिएंटेड जितने भी आपको वहां पर टूल है, आपके वहां पर रहना चाहिए, आपको उसके डिपार्टमेंट में होना चाहिए, हर एक आदमी को रहना चाहिए, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ आपको काम करेगा और अपना पोटेंशियल भी देगा और हर एक तरह का काम देगा। तो ये आपको करेक्टरिस्टिक्स है। परवेसी फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनहेरेंट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल लेवल, इट इज नॉट कन्फाइंड टू द इंडस्ट्री ओनली, ये सिर्फ इंडस्ट्री में आपको नहीं है, एजुकेशन इन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, होटल्स, सभी जगह ये आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको लागू करना पड़ेगा। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट इन नेसेसरी इन द गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जगह आपको ये आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। जो मैनेजर अच्छा से ह्यूमन रिसोर्स को डील कर लेता है वही बेस्ट मैनेजर कहलाता है। ये सभी फंक्शनल एरिया में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, रिसर्च में, ये सभी जगह जो है आपको ह्यूमन रिसोर्स का आपको काम आता है और उसको डील करना ये आपको जरूरी है। तो दी आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपको कंटिन्यूस फंक्शन है, ये आपको ऑन गोइंग और नेवर एंडिंग एक्सरसाइज है ऑन द सूट ऑफ द फंक्शन, है ना, इट कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन ऑफ लाइक वाटर। ये आपको कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये आपको फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड आपको जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं किसी कंपनी में आज के बाद 5 साल के बाद क्या होना है उसको उसको ऑब्जर्व कर ले, वो फ्यूचर देखे अपना कि कंपनी कहाँ जाएगी, तो आपको कभी भी कंपनी में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कंपनी हमेशा राइज करेगी। फ्यूचर ओरिएंटेड गोल होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब होना चाहिए कि भाई प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड 5 साल के बाद क्या होने वाला है वो आपको जानकारी रहना चाहिए। दूसरा चैलेंजिंग फंक्शन है, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इज द चैलेंजिंग जॉब और टू द डायनेमिक नेचर ऑफ द पीपल। हर एक पीपल अलग अलग होता है, अलग अलग सेंटीमेंट्स का होता है, अलग अलग इमोशंस का होता है ना, तो दे हैव नॉट बी ट्रीटेड लाइक ए मशीन। उसके इमोशंस अलग अलग हैं, उसके सेंटीमेंट्स अलग अलग हैं, उसके सेंटीमेंट के साथ जो है करना चाहिए। तो ये हैंडल द टैक्टफुली फॉर द दिस इज द चैलेंजिंग फंक्शन। साइंस एज वेल एज आर्ट, एच आर एम क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। एच आर एम साइंस भी है और आर्ट आर्ट भी है। इट कॉन्टेंस ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी ऑफ द नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स भी इसमें होता है। एच आर एम में कई प्रिंसिपल्स होते हैं और टेक्निक्स रहते हैं, उसको फॉलो किया जाता है। हैंस दिस इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। आर्ट का मतलब है कि इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। आर्ट का ये मतलब हुआ, इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये आपको साइंस भी है, आर्ट भी है, दोनों है आपको। इसमें प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक को माना जाता है और दूसरा कैसे जो है थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लीड किया जाए उसके लिए माना जाता है। एंड अनदर वन इज द स्टाफ फंक्शन, हाउ द स्टाफ आर फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एडवाइजिंग इन नेचर है। हाउ द पीपल्स विल सेल द गुड्स बट दे कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको आपको हेलो सर आप बोलिए। स्टाफ फंक्शन क्या होता है सर? स्टाफ फंक्शन का मतलब हुआ एडवाइजिंग हर एक पीपल को, जैसे डायरेक्टर जो है डायरेक्टर बताता है, परफॉर्मेंस को बताता है। हर एक स्टाफ का अपना अपना अलग अलग फंक्शनिंग है, वो उसका डायनेमिक नेचर है स्टाफ फंक्शन का। तो द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑलवेज एडवाइजरी नेचर, वो हमेशा जो है आपको सलाह देगा। मैनेजर को हमेशा वर्कर सलाह देते हैं, लाइन स्टाफ मैनेजर सलाह देते हैं और उसी सलाह को मानने के बाद जो है आपको आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन राइज करेगा। तो दिस इज द स्टाफ फंक्शन। हर एक स्टाफ वहां पे जो है वो किस तरह फंक्शन करना चाह रहा है, किस तरह काम करना चाह रहा है, आप उसका सुनिए
और वो जो है वो आप उनका ध्यान दीजिए कि भाई वो वर्कर किस तरह करना चाह रहा है, वो सुपरवाइजर किस तरह करना चाह रहा है, वो मैनेजर किस तरह करना चाह रहा है। डेली आप जो है वो उसको मीटिंग बुलाइए, मीटिंग बुला करके उसका जो है ऑडिट कीजिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आज आपने क्या किया, क्या प्लानिंग है आप बताइए। ये जो है स्टाफ फंक्शन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ किस तरह फंक्शन करना चाहता है ये उसके बारे में जानिए कि स्टाफ फंक्शन किस तरह करना चाह रहा है, ये आपको सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो आपको देता है, है ना। तो ये आपको स्टाफ फंक्शन है। दूसरा है यंग डिसिप्लिन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है कंप्लीटली सर कॉलेज कब से खुल रहे हैं सर? कॉलेज का अभी हमारे पास कोई नोटिस आया नहीं है, हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है, तो मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूं कि कब ये खोलेंगे, है ना। तो न्यूज में तो सुना था कि एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल जी बोल रहे थे कि मंडे से खुल जाएगा, नहीं जी सर? हाँ हाँ पोखरियाल साहब बोल रहे थे, पोखरियाल साहब का एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था, तो उसमें पोखरियाल साहब बोल रहे थे कि जो है आपको मंडे से जो है स्कूल कॉलेजेस खोल देंगे। अब देखिए अभी एक आज तो मंडे था सर। हाँ अभी कोई सूचना नहीं है अभी अभी। आप कैसे हो सर? हैं आप कैसे हो सर? बस ठीक है, बढ़िया है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट ओरिजिन है, इसके डेवलपमेंट कब से खुल रहे हैं कॉलेज कब से खुल रहे हैं? कॉलेज का अभी हमारे पास बताया ना कि अभी कोई हमारे पास ना तो कोई फोन आया है, ना तो ईमेल आया है, ना व्हाट्सएप आया है। नहीं आप कह रहे हो ना सर, आप कह रहे हो ना सर कि मतलब वो क्या कहते हैं कॉलेज खुल रहे हैं, कोई न्यूज में बोल रहा है, कौन बोल रहा था सर न्यूज में? न्यूज में पोखरियाल साहब बोल रहे थे, पोखरियाल साहब जो एचआरडी मिनिस्टर है ना। अच्छा हाँ वो कह रहे थे कि जो है एचआरडी मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जो है 21 तारीख मंडे से जो है सर हम कैसे आएंगे कॉलेज, इतना रिस्क है सर, ऐसे थोड़ी हो खट्टा रे चाट ले। अब अभी देखिए हमारे पास आप टेंशन मत लो। हाँ सही कह रहा है कि जो है तो आपको ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है 19 सेंचुरी में आया है एचआरडी मिनिस्टर शुभम सिंह एचआरडी, वो भी तो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है। ह्यूमन रिसोर्स जो सब्जेक्ट है वो उसी पे तो बेस्ड है, कैसे जो है आपको ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाए, वो मैनेज पता नहीं उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, भगवान जाने। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है सर, कॉलेज में किसी ने नहीं पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अपने कॉलेज में किसी ने नहीं पढ़ा। हाँ तो वो पढ़ना जरूरी है ना, तभी तो उसके प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे सर, ये कर ही नहीं पा रहे उस चीज के प्रिंसिपल अप्लाई, आप क्या कर सकते हैं। हाँ तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स के सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स ये सभी का जो है एप्लीकेशन जो है आपको यह इसमें आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो इंटरडिसिप्लिनरी आइटम है, इसमें सभी ब्रांचेज के सोशियोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजी के साइकोलॉजी के इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल इसमें आपको इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ पर आपको पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में आपको डिफरेंस बताया गया है। पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के बारे मैनेजमेंट के बारे में आपको डिफरेंसेस बताया गया है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट केयरफुल डेनिशन ऑफ द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पर्सनल मैनेजमेंट में, एम टू बी बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन डू आउटलुक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रूल्स में इंपॉर्टेंस ऑफ डिवाइजिंग इंपॉर्टेंस विद रूल इम्पेशेंस विद द रूल। देखिए ये आपको पर्सनल मैनेजमेंट होता है, कभी कभी इसको पर्सनल मैनेजमेंट बोला जाता है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस दिखाया गया है। गाइड टू मैनेजमेंट एक्शन क्लियर रूल्स होते हैं इसमें, इसमें बिजनेस नीड को समझा जाता है कि बिजनेस नीड क्या है। बिहेवियर रिफरेंट नॉर्म्स कस्टम्स एंड प्रैक्टिस होते हैं, इसमें वैल्यूज को माना जाता है, मिशन को माना जाता है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का वैल्यू क्या है,
उस पे जो काम कर रहा है उसको ज्यादा जो है वेटेज दिया जाता है। दूसरा मैनेजरियल टास्क, लेवर, मॉनिटरिंग के बारे में, नर्चरिंग के बारे में, नेचर ऑफ रिलेशन, प्लुरलिस्ट, यूनिटरिस्ट, ये आपको उसमें दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनलाइज, डी एम्फेसाइज, उसके बारे में दिया जाता है। स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट में आपको जो की रिलेशंस है, लेबर मैनेजमेंट है, ये कस्टमर ओरिएंटेड मैनेजमेंट है। इनिशिएटिव इसमें पीस मिल लेता है एक एक करके, बट दे आर इंटीग्रेटेड लिया जाता है। कॉर्पोरेट प्लान मार्जिनल होता है इसमें, इसमें सेंट्रलाइज्ड आपको कॉर्पोरेट प्लान होता है। स्पीड ऑफ डिसीजन इसमें स्लो है, इसमें फास्ट है ना। तो मैनेजमेंट रोल ट्रांजेक्शनल है इसमें, इसमें ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप है। लीडरशिप में भी आपका फर्क है कि मैनेजर इसमें आपको पर्सनल स्पेशलिस्ट है, ये जनरल बिजनेस लाइन मैनेजर्स है। कम्युनिकेशन है, इनडायरेक्ट है, और ये इसमें आपको डायरेक्ट है। स्टैंडर्डाइजेशन आपको इनडायरेक्ट है इसमें, इसमें डायरेक्ट है। आपको प्राइज्ड मैनेजर स्किल्स हाई है इसमें, इसमें प्राइज्ड मैनेजर स्किल लो है ना। प्राइज मैनेजर इसमें नेगोशिएबल है, इसमें फैसिलिटेशन है। सिलेक्शन इसमें सेपरेट है, मार्जिनल टेस्ट है, इसमें इंटीग्रेटेड है। की टास्क है, टास्क ओरिएंटेड है कि कंपनी में क्या टास्क है उसके ओरिएंटेड पे करना है उसमें। इसमें पे जो है जॉब रिलेशन फिक्स ग्रेड है, इसमें परफॉर्मेंस रिलेटेड है। जिस तरह का जो परफॉर्मेंस करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है पे है उसको फिक्स किया जाएगा, और ये फिक्स ग्रेड है इसमें। कंडीशन सेपरेटली नेगोशिएटेड है, इसमें हार्मोनियस है। लेबर मैनेजमेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ये आपको इसमें इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है। थ्रस्ट ऑफ रिलेशन विद द फैसिलिटी एंड ट्रेनिंग, ये आपको जॉब कैटेगरीज इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें फ्यू जॉब कैटेगरी है। तो कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड फ्लो है, इसमें फ्लो ज्यादा है, इंक्रीज फ्लो है। इसमें डिविजन ऑफ लेबर है, इसमें टीम वर्क है। ये आपको क्लियर कट आपको डिफरेंस बता रहा है। इसमें डिविजन ऑफ लेबर है, लेबर को डिवाइड कीजिए, अलग अलग दीजिए। इसमें कहता है कि नहीं, टीम वर्क कीजिए। तो ये आपको कल्टिक डिफरेंसेस को बता रहा है, पर्सनल मैनेजमेंट का और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, है ना। ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट, कंट्रोल एसेस टू द कोर्सेस है इसमें, लर्निंग ये सारे उसमें दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं, मैं फिर से आपका अटेंडेंस ले लेता हूं। हाँ सर, ले लो 17ME46 सन्नी जी प्रेजेंट, आकाश गुज्जर 102, अर्जुन देव 104, दीपक 110, फ्रांसु 1112, गुरदीप 114, गुरुराज ओबराय, कुंदन कुमार जी, मुकुल जी, निखिल जी, पवन जी, योगेश जी 167, चमन नेमा जी 162, चिंटू जी 109, फैजान हाशमी जी, हिमांशु जी, शुभम जी और योगेश 150 जी। तो ये सारे आज हमारे क्लास में सभी प्रेजेंट रहे हैं, ये सारे क्लास में प्रेजेंट रहे हैं। इन सभी का अटेंडेंस हो गया। तो HRM क्या है, आपको नर्वस सिस्टम है, इसका जोरदार तालियां स्वागत किया जाता है। ये आपको नर्वस सिस्टम है, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका ठीक है तो दिस विल वर्क एज ए नर्वस सिस्टम इन द। आपने पेपर के लिए क्या भेजा है ग्रुप में? हाँ, वो उधर से नोटिस आया हुआ है कि MCQ टेस्ट लेना है, कॉलेज से नोटिस आया हुआ है। सर आप MCQ टेस्ट कैसे भेजोगे? मैं 20 क्वेश्चन जो है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन यहाँ व्हाट्सएप कर दूंगा, और फिर क्लास अब व्हाट्सएप करोगे सर? मैंने बताया ना, कुछ टाइम दे दिया है मैंने कि जिससे कि आप लोग रेडी हो जाएं। थर्सडे को मैंने दिया है एक सब्जेक्ट का, तो पिछले दो दिन हो रहा है उसका नोटिस आया था कि MCQ टेस्ट लेना है, कॉलेज से आया था नोटिस। तो सर MCQ टेस्ट कैसे होगा ये नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन आपको गूगल फॉर्म भेजोगे सर? नहीं,
क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा 1 से 20, आपको उधर से क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 2 का सी, क्वेश्चन 3 का डी, क्वेश्चन 4 का ए, ये आपको वहां से लिख के भेजना है। व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे नाम रोल नंबर? व्हाट्सएप कर सकते हैं चाहे मेल भी कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट बना के मेल करना है? हाँ, डॉक्यूमेंट बना के मेल करना है, उसमें आंसर लिखे होंगे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। अच्छा, तो आंसर भेजोगे, क्वेश्चन हमें खुद बनाने हैं? नहीं नहीं, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। अच्छा, मेरे को लगा आंसर भेजोगे आप। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन अभी बना रहे हैं। कब तक भेज? मैंने मैंने थर्सडे का टाइम दिया है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा ना। सर टाइम तो बता दो, टाइम कितने कितने घंटे का होगा सर? हमें टाइम 40 मिनट का जो क्लास का टाइम है वही होगा। अच्छा, तो उस दिन क्लास नहीं होगी सर? नहीं, क्लास नहीं होगा, क्लास के जगह पे होगी। ठीक है सर, ठीक है, वेरी गुड सर। वो क्लास के अटेंडेंस हो गई है ना? क्लास के जगह हो गई, हो गई। 20 क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दिया जाएगा और वहां से आपको हर एक मेरी आंसर 1A 2B भेजना है एमसी भारत के लिए। सर वो मार्क्स हमें उसी दिन मिल जाएंगे? नहीं, टाइम तो लगेगा ना, टाइम वो चेकिंग के बाद आपको बता दिया जाएगा। ठीक है सर। सर आपका बस एक ही सब्जेक्ट का होगा ना? नहीं नहीं, दोनों का होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी होगा। उसी दिन? नहीं उस दिन नहीं, उस दिन का उसका मैं डेट दूंगा, अगला डेट दूंगा अभी। ये एमसीक्यू टेस्ट लेना जरूरी है। हाँ, लेना जरूरी है, वो कॉलेज से नोटिस आया हुआ है। कॉलेज से नोटिस आया हुआ है। ओके सर। हाँ हाँ, ओके सर। तो ये नोटिस कॉलेज छोड़ दिया, क्या कह रहे हो? कॉलेज का हमें वो भेज दोगे सर? कॉलेज से नोटिस आया हुआ है कि एमसीक्यू टेस्ट होगा सर, आप हमें नोटिस भेज दोगे? नोटिस हाँ भेज देगा, जो है कोई नहीं, वो भेज दूंगा। डायरेक्टर सर आगे चले गए? नहीं, आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले तो बात हुई थी उनसे, तो कह रहा था कि हाँ ठीक है सर, ठीक है, फोन पे मेरी बात हुई थी। अच्छा अच्छा, हाँ वो बात, हाँ रिजल्ट वगैरह बहुत खराब है ना उसके, 4 सेमेस्टर के और फिर 3rd सेमेस्टर का, तो वही मैंने बात किया था। तो आने इतना खराब? हाँ हाँ, तो उसी वही मैंने आने था वो तो। हाँ तो वही मैंने बात किया था उस टाइम, डायरेक्टर सर से बात किया था, तो जो है डायरेक्टर सब कह रहे थे ठीक है, क्या ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट तो बहुत ही खराब आया था, 3rd सेम का, जो आपसे आपसे जूनियर है सर, कोई नहीं सर, कोई ये जो 5th सेमेस्टर में है वो सर, अब नए एडमिशन हो रहे क्या सर? आइडिया नहीं है। अच्छा, मेरे को लगा आपका एचओडी हो ना आप हमारे, मेरे को लगा नए एडमिशन आपको पता होंगे हो रहे हैं। नहीं नहीं, हमें जानकारी नहीं है नए एडमिशन का। अच्छा, और सर रोहिला सर वो चले गए क्या? क्या कह रहे? रोहिला सर, डॉक्टर रोहिला सर, आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। क्या हुआ? नहीं हुआ, आतंकवादी कहते हैं सर वो सबको, आतंकवादी कहते हैं, कहते आप आतंकवादी हो, कटारे से पूछना सर, उसको भी कहते थे, मेरे को भी कहते थे। नहीं नहीं, सारे स्टूडेंट तो इसमें अच्छे हैं, आपके ग्रुप में तो, आपके ग्रुप में तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका रिजल्ट सर वाले से बहुत अच्छा है। हाँ मेरा बहुत अच्छा है। ठीक है सर, पढ़ाओ सर आप पढ़ाओ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक नर्वस सिस्टम है, ये आपको सिमिलर टू द नर्वस सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी है, जैसे नर्वस सिस्टम काम करता है उसी तरह